हेलो एवरीवन। तो कल मैं गई थी मार्केट और मार्केट से मैं अपने लिए कुछ सामान लेकर आई और मेरे पास में बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था मेकअप का सामान। तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको बताऊँगी और साथ में मैं थ्रेडिंग भी बनवा कर आई और मैंने फेस पे भी वैक्स करवाई थी क्योंकि मेरे ना बाल ज़्यादा हैं फेस पर, इसलिए वैसे मैंने कभी नहीं करवाई लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम करवाई है। तो उन्होंने बोला कि ये वैक्स करवाने के बाद में थोड़ा दाग हो जाते हैं, स्किन है ना रेड पड़ जाती है। तो एलोवेरा जेल बताया लगाने के लिए और आईज़ को लगाना बताया फेस पर। तो मैं क्या सामान लाई हूँ वह मैं आपको भी बताती हूँ। तो पहले तो मैं लेकर आई हूँ, ये मेरे पास बिंदी है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और मेरा मार्केट भी जाना नहीं हो रहा था तो हस्बैंड को भी टाइम था, फिर मैं ये लेकर आई अपने लिए। तो दो पत्ते तो मैं ये लेकर आई हूँ बिंदी के, सिंपल डेली यूज़ के लिए। और मैं डेली यूज़ के लिए लाई हूँ ये दो पत्ते, ये लेकर आई हूँ। और एक ये और एक ये स्टोन वाली बिंदी, ये मुझे पसंद है, मैं शादी से पहले भी लगाती थी ये बिंदी, बहुत पसंद है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और एक ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ये लेकर आई हूँ, ये मैं डेली यूज़ के लिए लेकर आई हूँ। एक ये लेके आई हूँ और एक बिंदी का ये पैकेट और ये अलग से लेके आई हूँ फैंसी बिंदी, एक ये और एक ये वाली। और एक ये लेके आई हूँ और एक लेकर आई हूँ मैं आई शेडो का, ये आई शेडो ये कंपनी है हिलारोडा कंपनी है, ये इस कंपनी का है ये आई शेडो। और इसके अंदर आई शेडो मतलब इसमें है ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है, कंटूर क्रीम, लिप ग्लॉस, आई शेडो पाउडर, ये सब चीज़ें इसके अंदर। तो ये लेकर आई हूँ ट्राई। और एक लेके आई हूँ मैं ये मामार्थ हेयर ऑयल, ये बाल झड़ते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा तेल है। तो सप्ताह में इसको दो बार रात को सोने से पहले लगा लें तो बालों की झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल ही है ना ख़त्म हो जाती है। तो ये ना वो शॉप वाले भैया है, उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे ये तेल दिया है और उन्होंने ये बात बोली है मेरे को कि अगर बाल झड़ते हैं तो ये तेल लगाओगे तो सप्ताह में एक दो बार लगाओ और जो भी बालों की झड़ने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना दूर हो जाएगी। तो ये विशेष कर उन्होंने मुझे ये दिया है तो मैं लेकर आई हूँ, ये मैं यूज़ करूँगी, यूज़ करने के बाद मैं देखूँगी ये कैसा है तेल, ये मामार्थ का है। और मामार्थ उपटन फेस वॉश ये लेकर आई हूँ मैं, वैसे ये कंपनी है ना बेस्ट कंपनी है, अच्छी है बहुत। और एक मैं लेकर आई हूँ मामार्थ कोको फ्रेश स्क्रब। और लिपस्टिक लाई हूँ मैं, मैंने खोली नहीं है इसको, ये है मैं बाद में दिखाती हूँ आपको खोल कर। एक मैं लेकर आई हूँ मस्कारा, ये है पुशअप वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा। और मैं लेकर आई हूँ ये लैक्मी की 9 to 5 बीबी क्रीम, बीबी नहीं सीसी क्रीम है ये लैक्मी 9 to 5 सीसी क्रीम,
ही लेकर आई हूँ, और ये मेबेलाइन का काजल लेकर आई हूँ मैं। ये वाटरप्रूफ है, तो ये लेकर आई हूँ एक। और साथ में मैं लाई हूँ ये क्लेचर। मेरे पास क्लेचर बिल्कुल ही लगभग बिल्कुल ही टूट गए थे काफ़ी, और सब वो नहीं थे, इसलिए फिर मैं ये क्लेचर लेकर आई। और ये लेकर आई हूँ मैं तीन नेल पेंट। इसमें एक तो ये कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये लेकर आई मैं। और एक ये है मैरून कलर में, मैरून कलर मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, तो ये लेकर आई हूँ। और एक ये है, ये कलर इस कलर में लेकर आई हूँ। और एक ये रेड के अंदर, और दो मैं लाई थी ये चाबी के छल्ले। ये विविध मैट लिपस्टिक है। देखिए कलर इसका बहुत ही अच्छा है। इस कलर में है तो ये दो लिपस्टिक लेकर आई हूँ मैं। वैसे मेरे पास है लिपस्टिक लेकिन मुझे ये पसंद आई इसलिए मैं ले आई। तो ये जो मैंने शॉपिंग की है ना, ये मैंने होली पे की है, और क्योंकि मैंने ना काफ़ी महीनों से ना मैं कुछ लेकर ही नहीं आई थी, अपने लिए कोई शॉपिंग ही नहीं की थी, कोई भी मेकअप का सामान नहीं लाई थी। और मेरे पास वैसे भी है ना लगभग मेकअप का बिंदी वगैरह काफ़ी चीज़ें मेरे पास है ना ख़त्म हो गई थी, तो ये सब मैं लेकर आई हूँ। तो आपको मेरे ये मेकअप का सामान जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये है होली का एक होली के एक दिन पहले का व्लॉग है ये, तो कंटिन्यू मैं अगले होली से करूँगी। यहाँ पर मेरा बेटा बैठा है, और ये जो मैं अभी शूट कर रही थी, ये कैमरे को इसी ने पकड़ रखा था तो इसके हाथ दर्द करने लगे लेकिन हेल्प करता है मेरी, ये बहुत नाइस बेटा है मेरा। थैंक यू। I'm not afraid to die.
हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं आप सभी को। तो अभी किचन में जाऊंगी और खाने की तैयारी करूंगी और शाम को फिर पूजा का समय हो जाएगा, फिर पूजा करके आएंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ और पूजा करके तो मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ। तो आज होली पे स्पेशल बना रही हूँ मैं भुंजिया, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैं यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस ऑन कर दी है मैंने, और इधर मेरा दूध रखा हुआ था उसे मैंने साइड में रख दिया है। तो यहाँ मैं अभी बना रही हूँ गुंजिया, गुंजिया की तैयारी कर रही हूँ मैं बनाने की। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है आधी चम्मच घी और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में इसके अंदर मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें पिस्ता, बादाम, ये मैं पहले डाल दूँगी इसके अंदर। और साथ में मैं इसमें डालूँगी काजू, जिसको मैंने छोटे छोटे कूट लिया था, बारीक कर लिया था उसे कूट कर, और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें किशमिश, और इसको अब हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे चलाते हुए, और इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का ही रोस्ट करना है। तो ये काफ़ी हद तक रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। अब इस स्टेज पे डाल दूंगी मैं नारियल का बुरादा,
तो नारियल का बुरादा भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, इससे क्या है इसका टेस्ट है ना और भी अच्छा हो जाएगा फ्राई करने के बाद। इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे, सॉरी रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, हल्का ही करना है, और इसको साइड में निकाल देंगे। और अब मैं मावे को रोस्ट करूँगी, इसको हिलाते हुए आपको तब तक इसे रोस्ट करना है जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक आप इसको रोस्ट करें, हिलाते रहें, इसको छोड़े नहीं, आपको इसको कंटिन्यू हिलाना है। और कढ़ाई आप नॉन स्टिक की कढ़ाई लें या लोहे की कढ़ाई लें जिसका पिंदा नीचे का मजबूत हो, जिससे क्या है ये मावा उसमें लगेगा नहीं, नीचे चिपकेगा नहीं। ये देखिए हमारा मावा अच्छे से बिल्कुल रोस्ट हो गया है और गैस मैंने ऑफ कर दी है, तो इस तरह से आपका मावा अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। तो इसको मैं निकाल दूंगी साइड में। तो निकाल दिया मैंने साइड में, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गुजिया के लिए मैदा का आटा, और उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा कम ही मैंने मैदा लिया है। और इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल चूटी भर इसमें नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो डाल दिया मैंने, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ, और इसमें मैं डालूँगी चुटकी भर, करीब 2 चुटकी इलायची पाउडर जो मैंने घर पे ही तैयार किया है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको मिला लूँगी अच्छे से। और मिलाने के बाद में मोयन के लिए इसमें अच्छे से घी डालना है, मोयन के लिए जितना आप अच्छा इसमें घी का अच्छा मोयन देंगे उतनी ही गुंजिया सॉफ्ट और खाने में स्वादिष्ट बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद में घी के अंदर अच्छे से मिला लूँगी मैं आटे को। तो देखिए मैं किस तरह से सही से आटे को मैं घी के अंदर मैश कर रही हूँ, आपको इस तरह से ही करना है। और मैंने थोड़ा घी और डाला है इसमें, और उसके बाद में ये देखिए इस तरह से ये मुट्ठी बन जानी चाहिए आटे की। तो मतलब आपका आटा अच्छे से मोयन के लिए तैयार है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर और इसको मैं आटा लगा लूँगी, और आप ध्यान रखें कि आटा ना तो ज़्यादा तो होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरह से आपको आटा लगाना है, और आटे को अच्छे से मसल मसल के अच्छे से गूंथे। और ये देखिए हमारा आटा लगकर तैयार हो गया, और इसको मैं ढककर छोड़ दूंगी करीब 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने चाशनी के लिए इधर ये चढ़ा दिया है पैन, और इसमें मैंने करीब 250 ग्राम से ज़्यादा ही चीनी डाली है मैंने, उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, और अभी ये बनी नहीं है। और इधर देखिए हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है अच्छे से, और ये एक तार की चाशनी नहीं बनानी है आपको, ये ध्यान रखिएगा आप। और इस चम्मच के सहायता से देखिए मैं देख रही हूँ इस तरह से आपको चाशनी चेक करनी है और देखना है कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो ये रेडी हो गई है, और यहाँ पर मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ गुंजिया के लिए, जिसके अंदर मैंने काजू, किशमिश, बादाम, नारियल का बुरादा, उसी के अंदर मैं ये मावा, इसको मैं मैश कर करके और पिस्ता बादाम इसी में ही मैं मैश कर करके डाल दूंगी।
तो मैंने डाल दिया और इसको मैं मिला लूंगी अच्छे से। एक चीज का आप ध्यान रखें, मैं शूट करना भूल गई, आप इसमें बूरा भी डालिए, आप अपने जितना आप मीठा खाते हैं उसी अकॉर्डिंग आप इसमें बूरा डाल सकते हैं, शक्कर। और देखिए मैंने इसमें बुरादा भी डाल दिया, नारियल का बुरादा, और इसको मैं मिला लूंगी अच्छे से। और ये देखिए मैं गुजिया के लिए ये स्टफिंग भर रही हूँ यहाँ पर। करीब आपको जितनी साइज की आप बनाए उसी ही साइज में आप 1 चम्मच वो स्टफिंग भरे उसमें, और उसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए बंद करिए। और एक एक चीज का ध्यान रखें कि आपको इसको अच्छे से बंद करना है, ये खुलनी नहीं चाहिए वरना ये गुंजिया खराब हो जाएंगी। इसको आपको दबा दबा कर अच्छे से बंद करना है। और ये देखिए मैं गुंजिया की जो डिजाइन है वह बना रही हूँ इस तरह से अंगुलियों की सहायता से, क्योंकि मेरे पास सांचा नहीं है घर पे। हस्बैंड को बोला था लेकिन हस्बैंड लाना ही भूल गए, फिर मैंने हाथों से ही ये गुंजियों की डिजाइन बनाई। और सच बताऊँ गुंजिया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छी लगी और मेरे बेटे को भी, उन्होंने खाई और दूसरे दिन तो ये गुंजिया फिनिश ही कर दी, बची नहीं। तो देखिए इस तरह से मैं इनको इसको डिजाइन बना लूंगी। इसमें बहुत मेहनत लगती है। और ये देखिए मैंने बना ली है, ऐसे करते करते मैं सभी गुंजा बना लूंगी। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और मैंने उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल गुनगुना ही तेल होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, नाम मात्र का ही मतलब गुनगुना होना चाहिए। बस उसी में ही आपको फिर ये गुंजियां डालनी है। एक एक करके सभी गुंजियां डाल दूंगी मैं। और आंच को आप बिल्कुल मीडियम रखें, तभी ही गुंजियां अच्छे पककर तैयार होंगी, फ्राई होंगी, अंदर तक वो अच्छे से पक जानी चाहिए। तो आंच को आप मीडियम रखें और इस तरह से मैं इनको पलटती रहूंगी। और ये देखिए गुंजियों में हमारे कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, ये दिख रही हैं। और इनको थोड़ी थोड़ी देर में आपको पलटते रहना है, चेक करते रहना है, और ये पकने में इनको काफी टाइम लगता है। तो जितना आप अच्छे से इनको धीमी आंच में पकाएंगे, फ्राई करेंगे, उतनी ही अच्छे से गुंजिया बनकर रेडी होंगी, तैयार होंगी। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और ये गुंजिया वास्तव में बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये देखिए ये चाशनी बनाई है मैंने, इनको मैं तुरंत इसी के अंदर डिप कर दूंगी और डिप करके मैं छोड़ दूंगी। और करीब 15 मिनट उसके बाद में फिर मैं दोबारा इसमें डालूंगी गुंजियां। इस तरह से मैं निकालती रहूंगी और इसमें डालकर डिप करती रहूंगी, और ये गुंजियां हमारी अंदर तक घुलकर चाशनी में बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी ये। और यहाँ पर मेरी गुंजियां बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ पे मैं पिस्ता से सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ और बोलती हूँ आपसे बाय बाय, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ अपने आने वाले।